Good morning students. Now this is our lecture number 3 and today we will study about the Stern-Gerlach experiment. ठीक है. In last lecture we have learnt about the space quantization and spin quantization phenomena that comes under the vector atom model. Okay. So जो scientist हैं Uhlenbeck और गोल्डस्मिथ ने वेक्टर एटम मॉडल के बारे में बताया और उन्होंने वेक्टर एटम मॉडल की थ्योरी दी, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं किया. ठीक है, वेक्टर एटम मॉडल में उन्होंने बताया कि स्पेस क्वांटाइजेशन होता है और स्पिन क्वांटाइजेशन होता है. तो स्पेस क्वांटाइजेशन और स्पिन क्वांटाइजेशन मतलब रियल एग्जिस्टेंस ऑफ वेक्टर एटम मॉडल प्रूफ किया Stern-Gerlach ने. ठीक है, Stern-Gerlach ने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि स्पेस क्वांटाइजेशन भी होता है और स्पिन क्वांटाइजेशन भी होता है, मतलब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया वेक्टर एटम मॉडल का. ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड टॉपिक हैं. ओके, Stern-Gerlach एक्सपेरिमेंट. सो Stern-Gerlach इन 1921 प्रूफ द एग्जिस्टेंस ऑफ वेक्टर एटम मॉडल, दैट इज स्पेस क्वांटाइजेशन और एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिन क्वांटाइजेशन, इलेक्ट्रॉन स्पिन. ये यानी इलेक्ट्रॉन को स्पिन होती है, साथ साथ में स्पेस क्वांटाइजेशन यानी ऑर्बिटल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं, ऑर्बिटल के स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस होते हैं. ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल के स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस होते हैं साथ साथ में, उसको बोलते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन, और साथ में ही इलेक्ट्रॉन्स के स्पेसिफिक स्पिन्स होते हैं, मतलब उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटाइजेशन. ये प्रूफ किया Stern-Gerlach ने 1921 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या थी Stern-Gerlach की, ये देखते हैं. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखने के पहले सबसे पहले ये तुम्हें इतने पॉइंट्स पता होने चाहिए. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखने के पहले तुम्हें ये पॉइंट्स पता होने चाहिए. कौन से पॉइंट्स, कि जो भी ऑब्जेक्ट रोटेट होते हैं उसको क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है. ठीक है, बिकॉज कोई भी बॉडी रोटेट होती है तो पर्टिकुलर एंगल से रोटेट होती है. ठीक है, तो ऑल रोटेटिंग बॉडी शुड हैव विल हैव एंगुलर मोमेंटम होता है उन्हें. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के दो स्पेसिफिक स्पिन्स होते हैं, एक अप स्पिन, मतलब ये बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में लास्ट टाइम हम क्वांटम नंबर में डिस्कस कर रहे थे. तो इलेक्ट्रॉन स्पिन्स हैव टू स्पिन्स वैल्यूज. ठीक है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. ठीक है, स्पिन वैल्यूज स्पेसिफिक होते हैं, इसके वजह से एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, क्वांटाइज होता है, स्पेसिफिक होता है. ठीक है, और मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा है, मैग्नेट के बारे में तुमने स्कूल में पढ़ा होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं. ठीक है, अगर दो मैग्नेट रखो तो ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर पोल्स रिपेल होते हैं. ये डायग्राम से क्लियर होगा, अगर ये नॉर्थ पोल है किसी मैग्नेट का है, किसी मैग्नेट का साउथ पोल है, तो नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, और नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ, सेम पोल्स रिपेल ईच अदर. ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है Stern-Gerlach एक्सपेरिमेंट समझने के पहले. ठीक है, तो Stern-Gerlach ने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किस तरीके से थी ये देखते हैं. तो ये देखो, इलेक्ट्रिक ओवन. ठीक है, तो Stern-Gerlach एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक ओवन को यूज़ किया था. ठीक है, इलेक्ट्रिक ओवन मतलब, ओवन मतलब जो चीज़ हीट करती है. ठीक है, इलेक्ट्रिक ओवन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक पावर से हीट जनरेट करता है. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक ओवन है, जैसे हमारे घर में माइक्रोवेव ओवन होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई से, उसके अंदर चीज़ें रख के गर्म होती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक ओवन है. इलेक्ट्रिक ओवन के अंदर उसने क्या रखा, सिल्वर एटम रखा. ठीक है, मतलब सिल्वर एलिमेंट रखा, और सिल्वर एलिमेंट के अंदर सिल्वर के बहुत सारे आइटम्स थे, और सिल्वर को उसने हीट किया इलेक्ट्रिक ओवन में. ठीक है, अब सिल्वर को हीट करने के बाद क्या हुआ कि सिल्वर एटम, सिल्वर एलिमेंट किससे बना है, सिल्वर एटम से बना है, और सिल्वर एटम्स हीट करने के बाद वेपराइज हुए और ये सिल्वर की बीम निकली इसमें से. सिल्वर एटम्स वेपराइज हो गए. ठीक है, हीट करने से, और हीट करने के बाद सिल्वर की ऐसी बीम अलग अलग डायरेक्शन में निकली. ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में क्या है, ये सिल्वर की बीम और बहुत अलग अलग डायरेक्शन में बीम को ब्लॉक करने के लिए, सिर्फ बीम को कोलिमेट करने के लिए, बीम को एक डायरेक्शन में
मूव कराने के लिए क्या किया, दो स्लिट दिए। उस स्लिट क्या कर रही है, जो अलग अलग डायरेक्शन में बीम और मूव हो रही है उसको ब्लॉक कर रही है और एक ही डायरेक्शन से पास करने में अलाउ कर रही है, एक ही डायरेक्शन में पास करने में मदद कर रही है, हेल्प कर रही है स्लिट्स। तो ये दो स्लिट्स रखे S1 एंड S2 फॉर कोलिमेटिंग द सिल्वर बीम्स, ठीक है, बीम ऑफ सिल्वर एटम्स। और आगे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए दो पोल पीसेस रखे मैग्नेट के, ठीक है, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब ये देखो पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट के पोल पीसेस अलग अलग है, एक का शेप अलग है, दूसरे का शेप अलग है, ठीक है। तो ये किस क्यों अलग अलग रखे, सेम रखते तो होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होती, ये नॉन होमोजीनियस मीडियम, ये नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए ये दोनों पोल पीसेस अलग अलग शेप के उन्होंने रखे, एक शार्प मैग्नेट है और एक इस तरीके का शेप का नॉर्थ पोल है, दो पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट रखे। और सामने उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट रखी, ठीक है, इस फोटोग्राफिक प्लेट को जो भी बीम का डायरेक्शन मूव हो रहा है उस डायरेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ये फोटोग्राफिक प्लेट रखी, ठीक है। तो ये है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। सो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, ये देखो एक्सपेरिमेंटल का वर्किंग कैसे था, सिल्वर एटम को हीट किया, सिल्वर एटम्स को हीट किया, सिल्वर एलिमेंट को हीट किया, तो सिल्वर एटम में से बीम निकली अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसको कोलिमेट किया एक डायरेक्शन में पास। तो ये ऐसी सिल्वर एटम्स की बीम जा रही है, सिल्वर बीम जा रही है, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आई, ये इस नॉर्थ और पोल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल के मैग्नेट्स में जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में ये बीम आई, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गई, ठीक है, डिस्क्रीट पार्ट में स्प्लिट हो गई। तो एक गई ऊपर के साइड, एक गई नीचे के साइड, ठीक है, बीम जो थी ये दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो गई, एक कंपोनेंट गया ऊपर की तरफ और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट में यहाँ एक साइन दिखा ऊपर की तरफ और यहाँ नीचे साइन दिखा नीचे की तरफ फोटोग्राफिक प्लेट में। ऊपर गई उसका मतलब डायरेक्शन प्लस हाफ और नीचे गया उसका डायरेक्शन माइनस हाफ, तो बीम स्प्लिट हो गई दो डिस्क्रीट कंपोनेंट में, ठीक है। तो ये बीम दो डिस्क्रीट कंपोनेंट में ही स्प्लिट क्यों हुई, ठीक है। तो क्या होता है, सिल्वर एलिमेंट में बहुत सारे सिल्वर एटम्स होते हैं, तो वो सिल्वर एटम्स, ये एक ही एटम नहीं होगा, बीम ऑफ सिल्वर में बहुत सारे सिल्वर एटम्स होंगे, तो बहुत सारे सिल्वर एटम्स होने के कारण क्या होता है कि एवरी सिल्वर एटम एक्ट लाइक अ एटॉमिक मैग्नेट, ठीक है। तो हर सिल्वर एटम्स विल एक्ट लाइक अ एटॉमिक मैग्नेट, सो हर सिल्वर एटम मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो एवरी सिल्वर एटम जब मैग्नेटिक फील्ड में से प्रोड्यू पास हुआ तो अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंट होना चाहिए, दे सपोज टू हैव ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, लेकिन हमको ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मतलब अगर होता ओरिएंट होते तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पे सिर्फ दो इंप्रेशन या दो पॉइंट ही नहीं मिलते, या दो ही डिस्क्रीट कंपोनेंट में ये बीम स्प्लिट नहीं होती, ये बहुत सारे कंपोनेंट में स्प्लिट होना चाहिए था, और फोटोग्राफिक प्लेट में बहुत सारे स्पॉट्स मिलने चाहिए थे, लेकिन हमें दो ही स्पॉट मिले, एक ऊपर और एक नीचे। इसका मतलब क्या है, जो एटम्स सिल्वर एटम्स है उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे हैव स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस, इस एक्सपेरिमेंटेशन से प्रूफ हुआ, दो ही स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस होते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि सिल्वर बीम पास हुई तो बहुत सारे कंपोनेंट में स्प्लिट होना चाहिए, अगर स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस नहीं होते एटम्स के ऑर्बिटल्स को तो ये अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट होती, अलग अलग डायरेक्शन में, और फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें बहुत सारे स्पॉट, लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं, दैट वॉज नॉट द केस, द केस इज द बीम स्प्लिटेड ओनली इन टू डिस्क्रीट कंपोनेंट, इट मीन्स दैट द बीम ऑफ सिल्वर एटम्स कंटेनिंग ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स हैव ओनली स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस, सिर्फ दो ही स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस हैं, तो इससे प्रूफ हो गया कि स्पेस क्वांटाइजेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऑर्बिटल कैन ओरिएंट इन ओरिएंट इन स्पेसिफिक पॉसिबल ओरिएंटेशन, किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंट नहीं होंगे, ओनली दो जो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन है वो ही अलाउड होंगे। और रियल पिक्चर कैसे था स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट का, देखो ये इस तरीके से था, देखो ये नॉन होमोजीनियस मैग्नेट नॉर्थ और साउथ, ये सिल्वर ओवन है, इसके अंदर सिल्वर आइटम रखा है, ये ये थ्री डायमेंशनल पिक्चर है, ठीक है। थ्री डायमेंशनल पिक्चर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट का कैसे दिखता है, देखो ये बॉक्स है
O1 जिसमें सिल्वर एटम रखा है, सिल्वर की बीम है, ये मैग्नेटिक मैग्नेट्स देखो थ्री डायमेंशनल कैसे दिखते हैं, एक शार्प मैग्नेट है और एक ऐसा है, ठीक है, और ये स्लिट्स है, स्लिट्स में पास होने के बाद दो कंपोनेंट देखो फोटोग्राफिक प्लेट में, ये टू डायमेंशनल है तो इसलिए हमको इस साइड से दो स्पॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली कैसा दिखेगा, इस तरीके का इलिप्स बनेगा फोटोग्राफिक प्लेट पे, ऊपर वाला हाफ मतलब स्पिन अप, नीचे वाला हाफ मतलब स्पिन डाउन, तो पर्टिकुलर सिल्वर एटम्स के स्पिन्स भी स्पेसिफिक होते हैं, एक डाउन स्पिन और एक अप स्पिन, एक को प्लस हाफ बोलेंगे एक को माइनस हाफ, तो इससे ये भी प्रूफ हुआ, स्पिन क्वांटाइजेशन भी प्रूफ हुआ और स्पेस क्वांटाइजेशन, अभी बताया कि ऑर्बिटल हाफ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, स्पेस क्वांटाइजेशन भी प्रूफ हुआ और स्पिन क्वांटाइजेशन भी रिड्यूस हुआ, ठीक है, प्रूफ हुआ इससे स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। अब हम एक एक्सप्रेशन देखेंगे कि जैसे सिल्वर बीम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गई, सिल्वर बीम मैग्नेटिक मैग्नेट में से पास हुई तो दो कंपोनेंट में वो डिवाइड होगी, डिफ्लेक्ट होगी, इसका मतलब सिल्वर बीम के आइटम्स मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का इम्प्रेशन या असर सिर्फ मैग्नेट्स पे पड़ता है, इसका मतलब सिल्वर आइटम्स में मैग्नेटिक मूवमेंट है, सिल्वर आइटम्स मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सिल्वर आइटम जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आए वो डिफ्लेक्ट हो गए, एक ऊपर एक नीचे, तो कितना डिफ्लेक्शन हुआ, ये मान लो कि ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है जेड डायरेक्शन में, एक तो एक प्लस जेड डायरेक्शन में गया, एक माइनस जेड डायरेक्शन में गया, ठीक है, तो वो एटम्स मैग्नेटिक फील्ड में आते ही कितने डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, व्हाट इज़ द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नेटिक एटम्स, उसका एक्सप्रेशन हम देखेंगे, ठीक है, डेरिवेशन देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ, डेरिवेशन के फॉर्म में देखेंगे, उसके पहले ये डिस्कस करते हैं कि जो रिजल्ट्स हमें फोटोग्राफिक प्लेट में मिले किस तरीके के रिजल्ट मिले, ठीक है, जब फील्ड नहीं थी तो फोटोग्राफिक प्लेट पे एक लाइन दिखेगी, ठीक है, अगर ये फील्ड हटा देंगे तो ये सीधा चले जाएगी बीम, ठीक है, सीधा चले जाएगी बीम तो फोटोग्राफिक प्लेट पे एक लाइन दिखेगी, ठीक है, अगर ये मैग्नेट हटा देंगे तो ये बीम स्प्लिट ही नहीं होगी, सीधी चली जाएगी और यहाँ सिर्फ लाइन दिखेगी, ये देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो एक लाइन दिखती, हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई और क्वांटाइजेशन का फिनोमिना हो रहा है, ठीक है, इसलिए हमको ये इलिप्स दिखेगा, ऊपर वाला हाफ मतलब S1, नीचे वाला हाफ मतलब S2, S1 स्पिन अप, S2 स्पिन डाउन, अगर मान लो कि क्वांटाइजेशन नहीं होता, स्पेस क्वांटाइजेशन या स्पिन क्वांटाइजेशन फिनोमिना नहीं होता तो हमको बहुत सारे इलिप्सेस दिखते अप्लाई करने के बाद, मतलब नॉन क्वांटाइज अनकॉन्टाइज, क्वांटाइजेशन है क्वांटाइज हो रहा है, स्पेस क्वांटाइजेशन है स्पिन क्वांटाइजेशन है, इसलिए हमें क्या दिख रहा है, इलिप्स दिख रहा है S1 और S2 स्पिन अप और डाउन, अगर क्वांटाइजेशन नहीं होता, स्पेस क्वांटाइजेशन स्पिन क्वांटाइजेशन का फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं करता तो फील्ड लगाने के बाद हमको बहुत सारे इलिप्स दिखते, लेकिन बहुत सारे दिखेगा नहीं, एक ही इलिप्स दिखा, इसका मतलब स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होते हैं, स्पेसिफिक स्पिन्स होते हैं S1 और S2, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सिल्वर आइटम्स आए तो उनमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये इसका एक्सप्रेशन हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो डेरिवेशन फॉर द डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व फॉर एटॉमिक मैग्नेट्स, मतलब सिल्वर आइटम्स का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ नॉन होमोजीनियस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमने कौन सी लगाई है, नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड में कितना डिस्प्लेसमेंट और डिफ्लेक्शन हुआ, ये हम इस डेरिवेशंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एवरी सिल्वर आइटम बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल, तो सपोज करो कि ये एक सिल्वर आइटम है जो एटॉमिक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसको कौन से पोल्स है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है, इट इज़ बिहेविंग लाइक अ सिल्वर एटॉमिक मैग्नेट, सिल्वर आइटम एटॉमिक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और उसको दो पोल्स है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और ये जो मैग्नेट है जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आया ओरिएंट हो गया, ठीक है, और इस मैग्नेट का जो भी है, जो एटॉमिक मैग्नेट ऑफ सिल्वर का लेंथ है सपोज एल है, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल पे पोल स्ट्रेंथ है पी, साउथ पोल पे पोल की स्ट्रेंथ है पी, तो पोल का एक पर्टिकुलर पावर होता है जिसके कारण मैग्नेटिज्म आता है, तो नॉर्थ पोल का पावर मतलब पोल स्ट्रेंथ है पी, साउथ पोल का भी सेम, क्योंकि दोनों पोल्स इक्वल है, ठीक है। और ये सपोज करो कि ये जो मैग्नेट रखा है एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है, और ये
वाई डायरेक्शन ये है और एक्स एक्सिस ये है, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन ये है हॉरिजॉन्टल, वाई डायरेक्शन वर्टिकल। सपोज करो कि हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं नॉर्थ साउथ पोल पे, बी बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं साउथ पोल पे बी, और ये मैग्नेट ओरिएंट है थीटा एंगल से, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं नॉर्थ पे, साउथ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है तो नॉर्थ में कितनी हो जाएगी, बी प्लस डी बी बाय डी वाई एल कॉस थीटा, ठीक है। ये कैसे होगी ये बताऊंगा, डी बी बाय डी वाई मतलब ये वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है तो नॉर्थ पोल पे ये डिस्प्लेसमेंट कितना, नॉर्थ पोल कितना दूर है साउथ पोल से, बी से यहाँ तक, ठीक है, तो ये फील्ड ग्रेडियंट है, फील्ड चेंज हो रही है अलॉन्ग द वाई एक्सिस। अगर हम साउथ से नॉर्थ जाते हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट क्या होता है, डी बी बाय डी वाई। अब एल कॉस थीटा मतलब नॉर्थ से साउथ अगर जा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, ये वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। सपोज करो ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल से ओरिएंट है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है साउथ साउथ टू नॉर्थ, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस होता है एल कॉस थीटा। अब एल कॉस थीटा कहाँ से आया, ये सपोज करो एक ट्राइंगल है एस ओ एन, एस ओ एन राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये थीटा, ठीक है, ये थीटा है एंगल, ठीक है। अगर हमें ओ एस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब एन एस, ये वाला डायगोनल, ये है एल, और ओ एस क्या है, एल कॉस थीटा। कैसे आया, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो एल इंटू कॉस थीटा, ये देखो कैसे आया, ये दिखाता हूँ, ये है, ये राइट एंगल की तरह बिहेव कर रहा है। कॉस थीटा अगर निकालना है तो एडजेसेंट मतलब ओ एस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब एल, ओ एस अपॉन एल, तो ओ एस क्या हुआ, एल कॉस थीटा, इसलिए ओ एस क्या है, एल कॉस थीटा, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना मतलब एस टू नॉर्थ टू साउथ पोल का डिस्टेंस वर्टिकली एल कॉस थीटा है। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पे कितनी हो गई, डी बी बाय डी वाई एल कॉस थीटा, डिस्टेंस क्या है, एल कॉस थीटा, और डी बी बाय डी वाई मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ पोल अगर साउथ पोल पे फील्ड बी है तो वाई नॉर्थ पोल पे बी फील्ड ग्रेडियंट कितना होगा, डी वी बाई डी वाई, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम साउथ टू नॉर्थ जाते हैं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल पे क्या हुई, बी प्लस डी वी बाई डी वाई एल कॉस थीटा, क्योंकि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, एल कॉस थीटा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड एट द नॉर्थ पोल इज बी प्लस डी वी बाई डी वाई एल कॉस थीटा, एंड मैग्नेटिक फील्ड एट साउथ पोल इज बी, पी क्या है, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, एल क्या है, लेंथ ऑफ मैग्नेट, और एम कैपिटल एम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो देखो डेरिवेशन, अभी सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये देखो वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट साउथ पोल बी हो जाएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ साउथ पोल पे बी है, तो एन नॉर्थ पोल पे क्या होगा, बी प्लस डी बी बाय डी बाय एल कॉस थीटा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट साउथ पोल इज बी, देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट नॉर्थ पोल विल बी बी प्लस डी बी बाय डी बाय एल कॉस थीटा, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब फोर्स ऑन साउथ पोल हो गया पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ओके, साउथ पोल, साउथ पोल पे फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला है पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, पी इंटू बी। नॉर्थ पोल पे क्या होगा फिर फोर्स, पी इंटू दिस फील्ड, बिकॉज नॉर्थ पोल पे फील्ड क्या है, बी प्लस डी बी बाय डी वाई एल कॉस थीटा, तो ये पी मतलब पोल स्ट्रेंथ और ये फील्ड, ठीक है। तो देखो फोर्स ऑन साउथ पोल पी इंटू बी, फोर्स ऑन नॉर्थ पोल पी इंटू बी प्लस डी बी बाय डी वाई एल कॉस थीटा, तो इसको अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो पी इंटू बी प्लस डी बी बाय डी वाई इंटू पी एल कॉस थीटा। अब देखो फोर्स ऑन साउथ पोल पी बी है, फोर्स ऑन नॉर्थ पोल पी बी प्लस ये क्वांटिटी, मतलब इतना क्वांटिटी लग रही है, यहाँ पे पी बी तो फोर्स है, यहाँ पे पी बी पे पी बी के अलावा ये क्वांटिटी एडिशनल है, तो दिस क्वांटिटी दिस टर्म मतलब दिस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओरिएंट दिस मैग्नेट, डिफ्लेक्ट दिस मैग्नेट और डिसप्लेस दिस एटम एज अ होल, मतलब एक्स्ट्रा फोर्स कितना लग रहा है, डी बी बाय डी वाई पी एल कॉस थीटा, क्योंकि पी बी तो यहाँ पर भी है फोर्स साउथ पोल में, पी बी तो नॉर्थ में भी है, लेकिन एडिशनल टर्म कौन सी है, ये है, ये एडिशनल टर्म है डी बी बाय डी वाई पी एल कॉस थीटा, तो दिस एक्स्ट्रा फोर्स डिस्प्लेस कर रहा है मैग्नेट को एटम को एज अ होल, ये एक्स्ट्रा फोर्स हम कैसे कहाँ लगा रहे हैं, वाई डायरेक्शन में, तो दैट विल बी द एक्स्ट्रा फोर्स
एफ वाई डी बी बाई डी बाई पी एल कॉस थीटा, दिस एक्स्ट्रा फोर्स इज रिक्वायर्ड और दिस एक्स्ट्रा फोर्स इज फोर्सिंग द मैग्नेट और एटम टू डिस्प्लेस, ठीक है, टू डिफ्लेक्ट बाय एन एंगल थीटा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स्ट्रा फोर्स एफ वाई डी बी बाई डी वाई पी एल कॉस थीटा। पी इंटू एल को हम मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। देखो मैग्नेटिक मोमेंट मतलब पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेट की लेंथ और पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो पी एल की जगह मैंने क्या रखा, एम, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फोर्स क्या हो गया, एम कॉस थीटा डी बी बाई डी वाई, दिस इज द एक्स्ट्रा फोर्स एफ वाई। सो ड्यू टू दिस फोर्स एटम मैग्नेट ऑफ सिल्वर गेट डिस्प्लेस फ्रॉम स्ट्रेट पाथ इन फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसी के फोर्स के वजह से सिल्वर के एटम्स जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हो डिस्प्लेस होते हैं। उसको स्ट्रेट जाना चाहिए तो स्ट्रेट नहीं जाते हैं, फील्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा फोर्स, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फोर्स कितना निकला, एफ वाई, वाई क्यों लिखा, वाई के डायरेक्शन में फोर्स है इसलिए एम कॉस थीटा डी बी बाय डी वाई। और अब सपोज करो कि सिल्वर एटम एंटर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी वेलोसिटी एंटर करते वक्त वी है, लेंथ कवर कर रहे हैं कैपिटल एल और टाइम ले रहे हैं टी, ठीक है। सिल्वर एटम जैसे ही मैग्नेटिक, सपोज करो ये देखो सिल्वर एटम्स, सिल्वर एटम जैसे मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी वी से आ रहे हैं और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी वी से आ रहे हैं और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज करो कैपिटल एल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, वेलोसिटी वी से आ रहे हैं और कैपिटल एल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, ये सपोज करो सिल्वर एटम्स, ठीक है। देखते हैं ये सिल्वर एटम्स एंटर्स इन नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी वी एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय देम इज लेंथ एल, पाथ ऑफ द लेंथ ऑफ पाथ इन द फील्ड इज एल एंड टाइम कितना टी टाइम के लिए। तो काइनामेटिक इक्वेशन हमने पढ़े थे टेंथ में या टेंथ के पहले के ग्रेड्स में पढ़े होंगे, काइनामेटिक इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है, थर्ड काइनामेटिक इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज काइनामेटिक इक्वेशन। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, ए इज एक्सिलरेशन, ठीक है, एक्सिलरेशन। सो इनिशियल वेलोसिटी जब ओवन से जब सिल्वर एटम निकले, ठीक है, निकलने के पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, फाइनल वेलोसिटी फिर बढ़ गई। तो इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है, सिंस इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो तो u अगर जीरो रखते तो ये टर्म जीरो हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने d रख दिया, ठीक है। s यहाँ s से डिनोट किया था मैंने d लिखा, d अलॉन्ग y डायरेक्शन, क्योंकि हमारे इसमें जो सिल्वर एटम्स है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं वाई डायरेक्शन में, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को लिखा मैंने डी वाई इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो, ठीक है, एस की जगह मैंने डी सुपर सबस्क्रिप्ट वाई लिखा, वाई रखा, ठीक है। अब एक्सिलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सिलरेशन, तो हमारा फोर्स भी क्या है, वाई डायरेक्शन में फोर्स होता है, वह मास इंटू एक्सिलरेशन हमारा फोर्स है वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ से अगर हम एक्सिलरेशन निकालते हैं तो एफ वाई अपॉन एम आएगा, ठीक है। तो ए की जगह मैंने लिखा एफ वाई अपॉन एम, एफ वाई मतलब फोर्स अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन, एम मतलब मास ऑफ द पार्टिकल, यहाँ मास ऑफ द एटम हो गया, ठीक है। सो डी वाई इज इक्वल टू हाफ एफ वाई अपॉन एम। अब टाइम, ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, पाथ ऑफ द फील्ड लेंथ एल है, टाइम टी है, तो वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी लेंथ अपॉन वेलोसिटी, यहाँ से अगर टाइम निकालेंगे तो लेंथ अपॉन वेलोसिटी, तो टाइम की जगह मैंने क्या लिखा, लेंथ अपॉन वेलोसिटी स्क्वायर, टाइम की जगह मैंने लेंथ मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है, लेंथ ऑफ द पाथ एल, ठीक है, टी की जगह मैंने एल बाई वी होल स्क्वायर रखा, और यह फोर्स एफ वाई, और एफ वाई की वैल्यू हमें पता है, हमने एफ वाई निकाला है, एक्स्ट्रा फोर्स कितना लग रहा है, एम कॉस थीटा डी बी बाई डी वाई, तो फोर्स की जगह एफ वाई की जगह मैंने यहाँ रखा एम कॉस थीटा डी बी बाई डी वाई, तो हाफ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, हाफ एम कॉस थीटा डी बी बाई डी वाई डिवाइडेड बाय एम एल अपॉन वी स्क्वायर, सिंस एक्स्ट्रा फोर्स कितना है, एम कॉस थीटा डी बी बाई डी वाई, वो हमने निकाला है, ठीक है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द डिफ्लेक्शन और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व फॉर द एटॉमिक मैग्नेट सिल्वर एटम्स होमोजीनियस फील्ड में, इतने डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस हो रहे हैं, इतना डिफ्लेक्शन हो रहा है, इतना डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व हो रहा है फॉर सिल्वर एटम्स फॉर एटॉमिक मैग्नेट्स इन
non homogeneous magnetic field. So this is the required expression for displacement observed for atomic magnet in non homogeneous magnetic field. तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हमने देखे कि स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट की अरेंजमेंट देखी, वर्किंग देखी, और जो सिल्वर बीम डिफ्लेक्ट हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, तो उस सिल्वर एटम्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड में, उसका डेरिवेशन और एक्सप्रेशन देखा. तो अब हम रिजल्ट डिस्कस करेंगे इस स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट का, रिजल्ट क्या हुआ. ठीक है, रिजल्ट में तो हमको दो स्पेसिफिक रिजल्ट हुए. एक तो सिल्वर एटम्स के ऑर्बिटल के स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस होते हैं और स्पेसिफिक स्पिन्स होते हैं. ठीक है, ये दो रिजल्ट है. तो वो दो रिजल्ट इस एक्सपेरिमेंट से कैसे डिस्कस करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में ये देखेंगे, एक्सप्रेशंस के फॉर्म में. ये देखो रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. अब ये कैपिटल एल देखो, L1 प्लस L2 प्लस L3, मतलब कैपिटल L मतलब रिजल्टन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, रिजल्टन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L1 प्लस L2 प्लस L3 सो ऑन, रिजल्टन स्पिन एंगुलर मोमेंटम, रिजल्टन स्पिन एंगुलर मोमेंटम S1 प्लस S2 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो J क्या होता है L प्लस S. उसी तरीके से MJ क्या होता है ML प्लस MS. ठीक है, मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ML प्लस MS, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. MJ इज इक्वल टू ML प्लस MS और J इज इक्वल टू L प्लस टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम L प्लस S, L इज J इज इक्वल टू L प्लस. अब रिजल्ट डिस्कस करेंगे, हमने कौन सा आइटम यूज़ किया एक्सपेरिमेंट में, सिल्वर एटम. तो सिल्वर एटम्स का एटॉमिक कॉन्फिग्रेशन क्या है, क्रिप्टॉन क्योंकि 36 या इनर्ट गैस क्रिप्टॉन के लिए का इसका एटॉमिक नंबर है 36 प्लस 4d10 प्लस 5s1. तो सिल्वर का क्या होता है 36 प्लस 10 46 47 एटॉमिक नंबर है, तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4d10 5s1. तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है. और s ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या होता है, जीरो. l इज इक्वल टू जीरो फॉर s ऑर्बिटल. और यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका स्पिन क्या होगा, हाफ होगा. सिंस सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज वन इन एस ऑर्बिटल, में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी स्पिन क्या होगी, प्लस हाफ होगी. तो जे क्या होता है, एल प्लस एस. एल क्या है, जीरो. जे इज इक्वल टू एल प्लस एस, यहाँ से देखा जे इज इक्वल टू एल प्लस एस. एल क्या है, जीरो, एस क्या है, हाफ. तो जे क्या हो गया यहाँ पे, जे इज इक्वल टू एल प्लस एस है, तो जे हो गया हाफ. तो जे हो गया हाफ, सिंस जे इज इक्वल टू हाफ, तो एम जे कैन हैव वैल्यूज ऑफ टूआइस जे प्लस वन. तो एम जे को कितने वैल्यूज होंगे, टूआइस जे प्लस वन, और जे की जगह अगर हाफ रख दिया यहाँ पे, तो एम जे के दो ही वैल्यूज होंगे. ठीक है, एम जे हैज ओनली टू वैल्यूज. सो एम जे क्या होता है, एम जे होता है एम एल प्लस एम एस. ठीक है, सिंस हियर इज एल इक्वल टू जीरो फॉर एस ऑर्बिटल, एल इज इक्वल टू जीरो, तो एम एल भी जीरो हो जाएगा. अगर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जीरो है तो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी जीरो हो जाएगा. तो एम एल यहाँ जीरो है, तो एम जे वुड बी एम एस. सो टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है एम जे इक्वल टू एम एल प्लस एस, यहाँ एम एल जीरो है, तो एम जे इक्वल टू एम एस हो जाएगा. ठीक है, एंड एम जे इक्वल टू एम एस, सीन्स एम एल इज जीरो फॉर एस ऑर्बिटल, एम एल जीरो है, इसलिए एम जे इक्वल टू एम एस हो जाएगा. और एम जे के कितने वैल्यूज होंगे, ट्वाइस जे प्लस वन, तो एम जे के ट्वाइस जे प्लस वन मतलब दो वैल्यू होंगे. एम जे हैज टू वैल्यूज, इट मीन्स दैट एम जे हैज टू वैल्यूज, इट मीन्स दैट ओनली टू ओरिएंटेशन आर पॉसिबल, देयरफॉर वी गेट ओनली टू कंपोनेंट्स इन फोटोग्राफिक प्लेट, एक प्लस जेड डायरेक्शन में, एक माइनस जेड डायरेक्शन में, दो ही डिस्क्रीट कंपोनेंट मिलते हैं, क्योंकि एम जे के दो ही वैल्यू पॉसिबल है इस इक्वेशन से, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से हमें पता चला. ठीक है, एक सिल्वर एटम के लिए हमने जब ये सब एक्सप्रेशंस निकाला तो पता चला कि एम जे हैज़ ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज़. एम जे के वैल्यूज़ कितने होते हैं, ट्वाइस जे प्लस वन. जे कितना है यहाँ पे, जे है हाफ. कहाँ से निकला जे, एल प्लस एस, एल ज़ीरो, एस हाफ, तो जे है हाफ. जे की वैल्यू अगर हाफ रखते तो एम जे हैज़ ओनली टू वैल्यूज, हैंस टू ओरिएंटेशन पॉसिबल, देयरफॉर द सिल्वर बीम स्प्लिट इन टू डिस्क्रीट कंपोनेंट्स
ठीक है, एंड दे हैव गिवन द टू एक्सप्रेशन इन फोटोग्राफिक प्लेट, टू स्पॉट्स ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, वन इलिप्स ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, वन अपर हाफ एंड वन लोअर हाफ। ठीक है, तो दिस रिजल्ट प्रूफ द स्पेस क्वांटाइजेशन। तो इससे क्या प्रूफ हो गया? स्पेस क्वांटाइजेशन। ठीक है, और स्पिन क्वांटाइजेशन कैसे प्रूफ हुआ? देखो, फील्ड जब नहीं लगाई तो एक ही लाइन मिली, व्हेन देयर इज नो फील्ड, सिल्वर की जो बीम है सीधी निकल गई और ओनली वन वी हैव गॉट ओनली वन लाइन ऑन फोटोग्राफिक फील्ड। लेकिन जैसे फील्ड लगाई, नॉन होमोजीनियस फील्ड लगाई तो क्वांटाइजेशन हुआ तो होने के बाद हमें एक इलिप्स मिला, एक अपर हाफ मतलब S1 स्पिन, लोअर हाफ मतलब S2 स्पिन। ठीक है, तो अभी देखो जे के वैल्यूज क्या होते हैं, -J2 + J। तो एम जे हैव वैल्यूज -J2 + J मतलब -2 + 1 मतलब MJ has ±2, ओनली टू वैल्यूज ±2। लेकिन हमको पता है MJ = MS। ठीक है, सिंस ML is 0 फॉर S ऑर्बिटल के लिए ML 0 होता है, तो MJ की वैल्यू MS के समान होती है, MJ की वैल्यू MS के इक्वेलेंट होती है। तो MJ अगर टू वैल्यूज है तो MS भी टू वैल्यूज होंगे, और MS के कौन से दो वैल्यूज होंगे? ±2। तो इससे प्रूफ हुआ कि स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन्स हैव ओनली टू स्पेसिफिक वैल्यूज, दैट्स वाई वी गॉट टू कंपोनेंट्स ऑन फोटोग्राफिक प्लेन। दिस रिजल्ट प्रूफ द स्पिन क्वांटाइजेशन। तो ओरिएंटेशन भी स्पेसिफिक होते हैं टू पॉसिबल डायरेक्शन में, साथ साथ में स्पिन्स भी स्पेसिफिक होते हैं, दो स्पिन की वैल्यूज होते हैं। वी गॉट MS हैज ओनली टू वैल्यूज सिंस MS इज इक्वल टू MJ। ठीक है, क्योंकि MJ होता है ML + MS, बट ML इज जीरो फॉर S ऑर्बिटल, सो वी गॉट द स्पिन वैल्यूज, टू स्पिन वैल्यूज ±2 और -2। तो इट प्रूव्स द स्पिन क्वांटाइजेशन फिनोमिना। सो ओवरऑल द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज दैट इट प्रूव्स द स्पिन क्वांटाइजेशन एज वेल एज इट प्रूव्स द स्पेस क्वांटाइजेशन। सो दिस एक्सपेरिमेंट, दिस टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट्स वैलिडेट्स द वेक्टर एटम मॉडल। ओके, तो हमने रिजल्ट डिस्कस किया, साथ में हमने ये भी देखा कि डिफ्लेक्शन और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर सिल्वर एटम्स मैग्नेटिक फील्ड से पास हुआ, तो सिल्वर एटम्स में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, एक एक्सप्रेशन हमने देखा। साथ में हमने रिजल्ट डिस्कस किया स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट का, और हमने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखी, उसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन देखा। तो आज के लिए इतना ठीक है स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कपलिंग स्कीम्स, LS कपलिंग और JJ कपलिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।